वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स हम इसकी पहचान करा देते हैं। पहचान इसमें वाक्यांत में आ ई ए इत्यादि शब्द आते हैं, जैसे वह, स्कूल गया, वह स्कूल गया, आया ना आ, मैंने खाना खाया, वह स्कूल गया, मैंने खाना खाया। तो चलिए अब हम इसका रूल लिखा देते हैं। रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जैसे वह स्कूल गया, वह स्कूल गया। सब्जेक्ट हमारा वह है, वह के लिए हम ही प्रयोग करेंगे ही। वर्ब के थर्ड फॉर्म गया, गो मतलब जाना, गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, ही वेंट टू स्कूल। सिंपल सा, ही वेंट टू स्कूल। मैंने खाना खाया। सब्जेक्ट हमारा मैं है, मैं का होता है आई। खाना का होता है ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, आई एट। अब ऑब्जेक्ट हमारा खाना है, खाना का होता है फूड, आई एट फूड। सिंपल सा है। उसने यह पत्र लिखा, उसने का होता है ही या शी, लिख देते हैं हम लोग शी। शी लड़के के लिए होता है, ही लड़का के लिए होता है, शी। अब वर्ब के सेकंड फॉर्म लिखने का होता है राइट, सेकंड फॉर्म होगा रोट, शी रोट। यह के हम दो लगा देते हैं, शी रोट दिस। पत्र का होता है लेटर, ही रोट दिस लेटर। चलिए अब हम कुछ वर्ब की फॉर्म्स देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारी ये चार वर्ब फॉर्म्स हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। पहला है हमारा गो, गो मतलब जाना। सेकंड फॉर्म है वंट, वेंट। थर्ड फॉर्म है गोन। दूसरा है हमारा ईट, ईट मतलब खाना। सेकंड फॉर्म है एट, थर्ड फॉर्म है ईटन। तीसरा है हमारा बार्क, बार्क मतलब भौंकना। सेकंड फॉर्म है बार्क्ड, थर्ड फॉर्म है बार्क्ड। चौथा है हमारा अब्यूज़ मतलब गाली देना, अब्यूज़ सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अब्यूज़। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी ये छोटी सी क्लास आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।